नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित जेपी इंफ्राटेक में अगर आपके फ्लैट फंसे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि मंगलवार को जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण और अधूरे फ्लैट निर्माण पूरा करने को लेकर कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT ने आदेश जारी किया है। NCLT ने जेपी इंफ्राटेक को खरीदने के लिए मुंबई की कंपनी सुरक्षा ARC के रिजोल्यूशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। घर खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक मामले में इस फैसले को होली का तोहफा बताया है। अगर जेपी में भी आपका घर फंसा हुआ है तो इन बातों को आपको जरूर जानना चाहिए। जेपी इंफ्राटेक को साल 2003 में नोएडा में विकास के लिए 2500 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। जेपी इंफ्राटेक ने 4 साल बाद 32,000 से ज्यादा फ्लैट बनाने और प्लॉट बेचने का प्रस्ताव दिया। 2011-12 तक इन्हें डिलीवर किया जाना था, लेकिन अभी तक करीब 12,000 फ्लैट ही डिलीवर किए गए हैं, जिसके बाद हजारों बायर्स 2016 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। NCLT ने साथ ही यमुना अथॉरिटी और ICICI की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया है। जेपी इंफ्रा के खिलाफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का प्रोसेस अगस्त 2017 में शुरू हुआ था। नवंबर 2022 में ट्रिब्यूनल ने सुरक्षा ग्रुप की बिड पर फैसला सुरक्षित रखा था। जेपी इंफ्राटेक ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की परियोजनाओं में 20,000 से ज्यादा यूनिट बेची है। वहीं करीब 19,000 क्लेम को दिवाला कानून के तहत दायर किया गया है। जून 2021 में सुरक्षा को जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए लेनदारों की समिति की मंजूरी मिली। इनमें बैंक और खरीदार शामिल हैं। इस फैसले से 20,000 मकान खरीदारों को रुकी हुई परियोजनाओं में अपने फ्लैटों का कब्जा मिलने की उम्मीद जगी है। मुंबई की कंपनी सुरक्षा ARC के रिजोल्यूशन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह कंपनी अगले 6 से 42 महीने में नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया में 26 प्रोजेक्ट पूरा करेगी। इस फैसले के बाद बायर्स का कहना है कि जो समय बीत गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब कम से कम आगे का रास्ता तय हो गया है और अब इन अधूरे प्रोजेक्ट में काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।